व्हाट इज अप गाइस, आदर्श हियर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, ठीक है। ये एक तो मेरा क्यूरियोसिटी था कि भाई मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है। अब देखो ऑब्वियसली आप लोगों में कुछ लोग बोल दोगे कि भाई रियू होगा क्योंकि वही एक तो A7 लेवल पर जा चुका है, मगर एक तो क्यूरियस सवाल मेरे अंदर अभी भी है, तो रियू हमको उस तरह का डैमेज क्यों नहीं दे रहा है जो मेरा ल्यूक हमको दे रहा है, ठीक है। अभी आपको हम कुछ नंबर्स दिखाते हैं, वो उससे आप लोग समझ जाओगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग थोड़ा गिल्ड रेड में आना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर आ गए तो हम लोग चलते हैं गिल्ड में हमारे। शिट, गिल्ड। अच्छा हम ही तो टैप कर रहे हैं, फ़ोन अपने आप से कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे हमारे गिल्ड कॉन्टेंट में और यहाँ पर आप लोग दो स्कोर्स देखोगे, ठीक है, और फिर आप लोग बोलना कौन कितना बेहतर किया है। तो यहाँ पर मेरा रियू 3.4 बिलियन का डैमेज किया है, जिसमें वो आधा बीच में मर गया था। 500-600 मिलियन डैमेज हम लोग का ल्यूक किया हुआ है, फिर भी इन बेस्ट ऑफ द रन्स हम इतना डैमेज रियू को लेकर यहाँ अचीव कर ही लेते हैं एम्बाइसन एज ए स्ट्राइकर रखकर, ठीक है। मगर यहाँ लूनेटिक में देखो, दिख रहा है कुछ 5 बिलियन, ठीक, और हम तो 5.5 बिलियन से ज़्यादा डैमेज किए हैं यहाँ पर सिर्फ इस ल्यूक को लेकर। सोलो ल्यूक, सोलो मतलब कुछ स्ट्राइकर वाला झमेला नहीं, कुछ टैग इन टैग आउट का झमेला नहीं, खाली लेकर आओ मारो एकदम, ठीक है। तो हम इतना डैमेज नंबर अचीव किए हुए हैं। तो और हम फिर नाइटमेयर गीज में लेकर खेले रियू को, मगर हम वहाँ पे 4 बिलियन का डैमेज रीच नहीं किए हुए हैं। अब यहाँ पर तो और अब आप लोग इन नंबर समझ ही गए होंगे कि भाई ऑब्वियसली ल्यूक ज़्यादा पावरफुल है, भले वो A6 पर है, मगर डायरेक्ट कंपेरिजन तो हम लोग तो नहीं किए ना अभी तक। चलो वही करते हैं आज हम लोग। किसको हटाएं, चुनली रहे, यहाँ लोग रियू को लेकर आ जाते हैं और यहाँ स्टोन्स और कार्ड्स आप लोगों को हम अभी दिखा देते हैं कौन की। स्ट्रीट फाइटर स्ट्राइकर से लोगों को दे देते हैं जिससे लोग को सभी सेम ही चीज़ मिलने वाला है। हाँ चलो ये भी ठीक है, इससे होगा ये कि हम लोग ज़्यादा स्किल्स को रन कर पाएंगे। और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं बाइसन को दे देते हैं, हाँ ठीक है। और अगर बात करें हम लोग कार्ड्स का, तो रियू को हम यहाँ पर हम लोग चुनली सेट है वही वाला देने वाले हैं। ये गेम को क्या हो गया, अच्छा ठीक है लगता है सो गया बीच में। हाँ तो हम लोग जल्दी इसको चुनली सेट दे देते हैं और यहाँ जिंटामा गोल्ड ऑन कार्ड, क्योंकि हम जितने भी कार्ड्स को यहाँ पर टेस्ट आउट किए हुए हैं हमको यही कार्ड सेट वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर लगा है, ज़्यादा डैमेज नंबर्स हमको दिया हुआ है। मगर अगर आप लोगों को लगता है कुछ और हम लोग कर सकते हैं इसमें, कुछ और ऑप्शन कार्ड्स को चेंज करके हम लोग और नंबर्स इंक्रीज करते हैं, आप लोग हमको बताना कमेंट्स में। और यहाँ पर अगर ट्रांसेंडेंट इफेक्ट से बात करें, कुछ खास है नहीं, रियू को कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है यहाँ पर। हम लोग डिफेंस का फाइटर तो कोई मतलब नहीं इससे। फिर उसके बाद हम लोग का जो ये वाला कार्ड है यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, फिर डिफेंस का फाइटर, तो इससे भी हम लोग कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर डिफेंस टाइप फाइटर का, तो रियू को कुछ ट्रांसेंड इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं और इन दोनों में डिफेंस टाइप कैरेक्टर का क्रिटिकल रेट और क्रिटिकल डैमेज हम लोग को मिल रहा है। और बात करें रियू के कार्ड, तो यहाँ पर इसको दिया मर्लिन सेट देता है, तो ये हम लोग चिल स्टारलाइट और हम लोग का स्टारलाइट डैमेज 75% इंक्रीज करता है, हम लोग का एक्टिव स्किल डैमेज 23% से। और यहाँ पर हम लोग डिफेंस टाइप का क्रिटिकल रेट मिल रहा है, ठीक है, मतलब चाहिए हमको वही। यहाँ पे फिर अटैक है मगर ल्यूक हम लोग का एक बैलेंस टाइप कैरेक्टर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे हम लोग सिंपल से ये बोल सकते हैं कि भाई इन स्किल से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला ट्रांसेंडेंट स्किल से, ठीक है। और स्टोन्स की बात करें तो यहाँ पर पहले दोनों स्लॉट हम लोग का अच्छा खासा स्टारलाइट एक्सप्लोर हम लोग को ऑब्वियसली दिखेगा अभी। और यहाँ रियू को और यहाँ क्या, तो गाइस 6000 पर है A6 पर, हम लोग का ये A7 अभी तक गया नहीं है मगर ये कुछ दिनों में जाएगा। ये डिस्पैच में अब हम इसी का शॉट्स कलेक्ट कर रहे हैं और रियू तो भाई लेवल 67 पर है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे सीधे रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम लोग को एक ही बार में बहुत सिग्निफिकेंट डैमेज नंबर्स का डिफरेंस मिल जाता है ना, तो वहीं हम लोग कंक्लूड करें कि हाँ भाई यही आदमी जीता है। मगर अगर हम लोग का जैसे 10 मिलियन 15 मिलियन डिफरेंस रहा तो शायद हम लोग वापस से रीरन करेंगे, ठीक। तो चलो देखते हैं, शुरुआत में रियू को लेकर करने वाले हैं और रियू को लेकर बेटर यही रहेगा हम लोग 3-1-2 करके जाएँ, क्योंकि ताकि हम लोग को हाइपर आर्मर से हम लोग का स्किल इंटरप्ट ना हो और उसके बाद हम लोग को एक्सप्लोजन भी मिले। और ल्यूक का केस में हम लोग 3-2-1 करके जाएंगे क्योंकि स्किल 1 में हम लोग पास रीसेट है और हम लोग का स्किल 3 हम लोग का हाइपर आर्मर स्किल है, तो हम लोग ऐसे ही करके जाने वाले हैं।
चलो पहले रियू को ही ले आते हैं हम लोग। आओ मकड़ू बाबू सामने आओ, और हम लोग पूरा एक अवेकेंस रोटेशन और उसके बाद हम लोग का जो 3PG है उसका इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ वन ठीक है, एक सेकेंड हमको क्यों लगा रियू को अगर हम अच्छा सा समय देंगे तो रियू इसको सोलो ही वाइप कर देगा। ठीक है वो भी बढ़िया है। ठीक है 3 2 1 3PG। अगर हम लोग मौका मिलता है हम लोग एक के लिए यहाँ पे चला ही देंगे आखिरी अभी। ठीक है तो यहाँ हम लोग 300 कितना 326 मिलियन डैमेज रीच किया है। और सोचो एक टाइम था कि भाई मेरा पूरा टीम मिलकर इतना डैमेज नहीं करता जितना रियो भी अकेले किया है। तो गाइज अब हम लोग ल्यूक के लिए रन करने वाले हैं और देखें ल्यूक हम लोग कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो वही सिंपल सा तरीका रहेगा, हम लोग ल्यूक को टैग इन कर देंगे और उसके बाद हम लोग आखिरी एक सेकेंड के अवेकन स्किल का इंतजार करेंगे। तो 3 2 1 चलो। अब आप लोगों को बताओ कौन जीतेगा, ठीक है आप लोगों के हिसाब से। ओ भाई ये क्या हुआ यहाँ पर, कुछ दिखाई दिया आप लोगों को? यहाँ तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई। ओ भाई 500 मिलियन का डैमेज, ये क्या है? ठीक है उनको मालूम पड़ गया मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है। अब आप लोगों को कौन लगा था हमको नीचे कर दूर था ना, मगर भाई ल्यूक मतलब देख लो बहुत सही कैरेक्टर है ल्यूक। बहुत अच्छा हुआ था कि हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ही दिए थे आखिरी में। और हाँ जिन लोगों के पास ल्यूक है वो लोग सोच रहे हो कि अगर आप लोग अभी सोच रहे हो ल्यूक के ऊपर इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, तो हमको लगता है ये वीडियो आप लोगों को जवाब दे दिया होगा कि भाई A7 ल्यूक को ये ऐसे हराया है। ठीक है मतलब हाँ ल्यूक को हम यही नहीं कार्ड देकर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम जितना टेस्टिंग किए हैं हमको यही कार्ड उसके लिए बेस्ट लगे हुए हैं। और हाँ एक चीज़ आप बोल सकते हो कोई कि भाई अब ये कार्ड तो नहीं मिलने वाला हम लोग को, कहाँ से लाएंगे स्टारलाइट एक्सप्लोजन वाला कार्ड, फिर डैमेज वाला कार्ड। तो हम बस इतना ही बोलेंगे चिंता मत करो, कोई ना कोई हम लोग का ऐसे और भी इवेंट्स आएंगे जहाँ पे हम लोग को कोई ना कोई ऐसे न्यूट्रल सेट कार्ड मिल जाएगा जो हम लोग ऐसे दे पाएँ, क्योंकि ये तो कोलैब वाला कार्ड था जो शायद जो लोग मिस कर दिए वो तो अब शायद नहीं पाएंगे अनटिल एंड अनलेस हम लोग का कोलैब का रीरन हो। मगर इसके जैसे एक और कार्ड हम लोग का ये वाला था जो कहाँ गया हम लोग का, ओए कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये हम लोग स्टारलाइट एक्सप्लोजन देता है, मगर ये सिर्फ हम लोग का एक्सप्लोजन नहीं स्टारलाइट पे 75% का हम लोग का डैमेज इंक्रीज देता है, मगर ये सिर्फ हम लोग के सैक्रेड ट्रेजर फाइटर्स के लिए जो कि ल्यूक तो नहीं है भाई। ठीक है तो हाँ तो अब आप लोगों को बताओ कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट किए थे कमेंट्स में और आप लोगों के साथ किसको जीतना चाहिए था। ठीक है ऑन पेपर्स और आप लोगों क्या कहना है हमको नीचे कर जरूर बताना, और आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन सा है वो भी हमको नीचे जरूर बताना। आपका कैरेक्टर कौन सा वेकेंट लेवल पे है और कौन से कार्ड्स और सेट्स का आप लोग इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर, ये सभी चीज़ें आप लोग कमेंट जरूर बताना जिससे हमको शायद कुछ नया जानने को मिले और बाकी प्लेयर्स को भी बहुत हेल्प हो जाएगा। और वीडियो को एंजॉय करके लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो। ठीक है और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।